बिलासपुर की बंदलाधार पर पहली बार राष्ट्रीय स्तर की एक्रो एंड एक्यूरेसी कप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने किया। वहीं 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश प्रदेश से ही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड और नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडर भी अपने हुनर का जोहर दिखाने पहुँचे। पहले राष्ट्रीय स्तर एक्रो एंड एक्यूरेसी कप का, जिसे ऑल इंडिया पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। वहीं इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ करने प्रदेश के युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर पहुंचे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का आगाज किया। गौरतलब है कि सेंटर से एक्सपर्ट की टीम द्वारा बंदलाधार को पैराग्लाइडिंग साइट अप्रूवल दिए जाने के बाद ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें देश प्रदेश से ही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड और नेपाल के भी कई अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडर्स ने भाग लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेश भर में लगातार इस तरह के प्रतियोगिताओं के आयोजन करवाए जाने की बात कहते हुए 12 महीने पर्यटकों के आने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने की बात कही। आज बिलासपुर में एक्रोबैटिंग और एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग का नेशनल चैंपियनशिप प्रारंभ हुई है और ये पहली बार हुई है और इस सबको करने के लिए यहाँ के जो पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष माननीय विधायक सुभाष ठाकुर जी को इसका श्रेय जाता है कि जिन्होंने इसको करने के लिए स्वयं आगे बढ़ करके प्रयास किए और ऐसी जगह भारत में एक ही जगह जहाँ पर एक्रोबैटिंग और एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग हो सकती है, तो ये बहुत अच्छा। और इसके बाद ये कि यहाँ पर इससे आवश्यकता जिस भी चीज़ की है कि इन चीज़ों को करने के लिए कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी होगा तो उसको हम अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड अलाइड स्पोर्ट्स के माध्यम से हम सारी ज़रूरतों को यहाँ पर पूरा करेंगे, ताकि बच्चों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उनके लिए रोज़गार के साधन खुलें। और फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर जो वाटर स्पोर्ट्स का और वाटर ट्रांसपोर्ट में भी अपार संभावना है, उस पर ही निश्चित रूप से हम काम करेंगे कि वाटर स्पोर्ट्स में क्या हो सकता है और वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या हो सकता है। लेकिन इन सब में जो एक बड़ी प्राथमिकता अपनी ये रहेगी कि जो भी रोजगार के काम करें उसमें स्थानीय लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि स्थानीय नौजवानों को रोजगार। बेही एक्रो एंड एक्यूरेसी कप में भाग लेने पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडर्स निकोलस बोर्की और सुभाष थाफा का कहना है कि बिलासपुर स्थित बंदला की दार पर उन्हें काफी अच्छा लगा और यहां से दिखने वाला जारा किसी जन्नत से कम नहीं है। तो साथ ही गुजरात से पहुंची शुरभि चावला ने महिलाओं को पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में कुछ कर गुजारने की अपील की है। गौरतलब है कि इस प्रतियोगिता में देश विदेश से कुल 75 पैराग्लाइडर्स ने भाग लिया, जो कि पैराग्लाइडिंग के दर्शकों को हैरत अंगेज करतब भी दिखाएंगे। मैं नेपाल से हूँ, नेपाल एक्रो टीम से। मेरा नाम सुभाष है। मेरे को ये फर्स्ट टाइम इधर कंपटीशन में आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है, नया कोई कुछ शुरू हो रहा है, तो हम सपोर्ट भी कर रहे हैं इंडियन पायलट को, तो ट्रेनिंग भी कराते हैं थोड़ा बहुत, तो अच्छा लग रहा है इधर आके। बहुत अच्छा जगह है, ट्रेनिंग के लिए भी अच्छा है, देखते हैं बाद में फेमस रहेगा शायद। मैं चावड़ा हूँ, जूनागढ़ गुजरात की रहने वाली हूँ और पिछले 4 या 5 साल से मैं पैराग्लाइडिंग करती हूँ और ये मेरा पहला कंपटीशन है जो बिलासपुर में हो रहा है और आई एम वेरी एक्साइटेड और मेरे लिए नया साइट है और वाटर बॉडी के ऊपर फ्लाइंग करेंगे और द व्यू विल बी अमेजिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कॉम्पिटिशन और मैं सोच रही हूँ कि वो सेफली ये सारा कंपटीशन खत्म हो जाए एंड आई विल गिव माय बेस्ट टू द कंपटीशन।